साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूँ शालिनी वर्मा, सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बेला के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत दिन भर की खास बेला, जो बहुत खास होती है। कुबेर का समय है या लक्ष्मी की बेला है, इस वाली बेला में हम क्या करें और क्या नहीं करें आज आपको बताऊंगी। 24 घंटे में कईयों बेलाएं ऐसी आती हैं, समय ऐसा आता है जो अपने लिए खास महत्व रखता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अमृत वेला, अमृत वेला का अपना खास महत्व होता है। ध्यान की, उस समय अगर ध्यान किया जाए तो आपकी मेडिटेशन पावर बढ़ती है, आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। और बहुत अमृत वेला के तो कहे ही नहीं जा सकते, कितने सारे फायदे होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोधूली बेला के बारे में। गोधूली बेला कौन सी होती है? शाम के समय की बेला, यानी 5 बजे से लेके 7 बजे तक की जो बेला है, गोधूली बेला। कहते हैं कि जब गाय चरकर अपने घर वापस लौटने लगती हैं और आते आते जो धूल उड़ाती हुई आती हैं, तो उस बेला का नाम ही हो गया गोधूली बेला। यानी गौ के पैरों से जो उड़ने वाली धूल है, उस वाली बेला को बोलते हैं गोधूली बेला। इसको कुबेर का समय भी बोलते हैं। गोधूली बेला इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कुछ खास चीजों का इसमें आप ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गोधूली बेला में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला 5 से 7 का समय होता है, शाम का जो समय होता है, सूरज के ढलने का जो समय होता है, वो वाली बेला। क्या करें गोधूली बेला में? तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे दीप जलाया करें। दीपक जलाना चाहिए हमेशा। कहते हैं ना कि शाम की बेला में दिया जलाना चाहिए, जरूर इस बेला में दिया आपको जलाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है अगर आप एक दिया जलाकर रखते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी, तुलसी तो वैसे हर घर में होती ही है, अगर कुछ भी नहीं है तो घर में फ्रंट डोर पे आगे बाहर ही कहीं पर एक दिया जलाकर जरूर रखें। गोधूली बेला के समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, तो माता लक्ष्मी का तो स्वागत करना ही चाहिए सबको। तो एक दिया जलाने का नियम बनाए अपनी गोधूली बेला में। दूसरा क्या करना चाहिए गोधूली बेला में? गोधूली बेला जब रहे तो कुछ समय मौन जरूर रहना चाहिए, यानी शांत रहना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए कुछ समय। क्यों रहना चाहिए? भले ही आप 2 मिनट रहें, मगर नियम बना लीजिए कि 5 बजे से 7 बजे तक गोधूली बेला है, इस बेला में मैं 5 मिनट के लिए खामोश जरूर रहूंगी। किसी भी समय आप नियम अपना फिक्स कर लें और उस समय कोशिश करिए कि आप शांत रहें। उससे क्या होगा? आपकी इनर पावर बढ़ेगी। इनर पावर बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर अट्रैक्शन की पावर आएगी, यानी आकर्षण की शक्ति आएगी। जिस चीज को मन में सोचेंगे ना, वो चीज को खींचने लगेंगे। तो इस बेला में अगर 5 मिनट भी आप मौन रह लेते हैं ना, शांत रह लेते हैं, कुछ भी थोड़ा देर बैठने का नियम बना लेते हैं, तो आप देखिए, आप खुद ही कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर आ रही है कि जो आप सोचते हैं वो चीजें होने लगती। तो इस बेला का बहुत महत्व होता है। तो कुछ समय मौन रहने का नियम बनाएं। तीसरी खास चीज, इस समय इष्ट का जाप। अगर आप अपने इष्ट का कोई जाप करते हैं, अपने इष्ट देव देवियों का जाप करते हैं, तो इस बेला में मानसिक जाप जरूर करें। यूं तो शाम का जो समय होता है, इस बेला का जो आखिरी समय होता है, 7 बजे के आसपास का जो आखिरी समय होता है, उस समय आरती करने का विधान होता है। तो उस समय अपने घर में दीप दिया जलाएं, घर में आरती, अगर शाम की पूजा भी करते हैं तो शाम की पूजा जरूर करें, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। अगर नहीं पूजा करते हैं तब भी मानसिक रूप से अपने इष्ट के मंत्र का जाप जरूर करते रहें, अपने इष्ट देव देवी जो भी हैं उनका जाप करें। आप देखेंगे इस समय जो आपने प्रार्थना की है या इस समय अपने देव देवी से आपने जो भी मांगा है ना, वो जरूर आपको मिलने लगा, क्योंकि इस समय आपके देवी देवता भी ना आपकी आवाज को सुन रहे होते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है, जरूर मंत्र का जाप करते हुए अपने इष्ट को अपने मन की इच्छा बताएं, जरूर वो इच्छा आपकी पूरी करेंगे। तो ये सब करना चाहिए गोधूली बेला में। और क्या नहीं करना चाहिए गोधूली बेला में? गोधूली बेला में किसी को भी दूध दही उस समय नहीं दें, उधार ना दें। कोई पड़ोसी लेने आ गया तो आपने दे दिया, ना दें आप। क्यों ना दें?
माता लक्ष्मी के आगमन का समय है, तो कोई भी ऐसी चीज इस समय ना दें जो माता को अच्छी ना लगे। ये चीजें तो माता को पसंद हैं, तो जो चीजें माता को पसंद है वो आप किसी और को इस बेला में क्यों देंगे जब माता के आगमन का समय है। तो गोधूली बेला में दूध दही किसी को भी उधार ना दें। दूसरी चीज, गोधूली बेला में कभी भी उधार ना दें किसी को, पैसा ना दें किसी को, उधार कम से कम पैसा ना दें। जो खरीदारी जो होती है वो तो करनी ही होती है, मगर उधार पैसा किसी को ना दें, क्योंकि माता के आगमन का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच में। कोशिश करिए किसी को उधार पैसा भी आपको नहीं देना है। तीसरी और बहुत खास चीज, गोधूली बेला में तुलसी को स्पर्श ना करें। माता तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता इस बेला में। इस बेला में तुलसी के नीचे, तुलसी माँ के नीचे दीपक जरूर जलाया जाता है, पर बिना स्पर्श किए दूर से ही प्रार्थना करके माता के पास में दिया रख दिया जाता है। तो दीपक जलाकर जरूर रखें, लेकिन माता तुलसी को स्पर्श ना करें इस बेला में, ये भी याद रखें। बच्चे हैं तो इस बेला में ना पढ़ें, थोड़ा सा आराम कर लें। बच्चे भी अगर सुबह से पढ़ रहे हैं तो इस बेला में बच्चे भी थोड़ा सा खेल लें, आराम कर लें वो भी। इस बेला में जो याद किया जाता है वो दिमाग में नहीं रहता। इन सब चीजों के लिए अमृत वेला है, तो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस वेला में याद करें, तो उस समय आपको याद रहेगा। मैंने आपसे कहा ना कि हर वेला का अलग अलग कुछ ना कुछ महत्व होता है, तो इस वाली वेला में जो आप याद करेंगे ना वो आपको याद नहीं रहेगा, मगर ब्रह्म मुहूर्त में जो याद करेंगे वो सदा याद रहेगा। तो ये है कुछ छोटी बड़ी चीजें जो गोधूली बेला में आपको ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें ही आपके जीवन को अच्छा बनाती हैं। इन चीजों को अगर जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे सुख शांति अपने आप आने लगती है। किसी भी चीज से एकदम करिश्मा नहीं होता, पर जब आप जीवन में उतार लेते हैं ना तो डेफिनेटली फिर लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ इस बेला को सब लोग समझेंगे और इस बेला में हमेशा वही सारी चीजें करेंगे जो आपको करनी चाहिए। तो मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।